वेलकम टू नेपाल आ चुके हैं यहाँ पे, देख ही सकते हो कितने ज्यादा हैं। है गाइस, जिस भैंस को काटा जाएगा क्या, और देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा है यार। ये है मंदिर। ये गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो आज हम जा रहे हैं नेपाल को और अभी निकल रहे हैं। बस दोस्त लोग नीचे आ गए हैं, बुला रहे हैं मेरे को। तो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं निकल चुका हूँ घर से और यहाँ पर से नीचे रामलीला फील्ड पे वो सब लोग रुके हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं वड्डा से और ये लोग हैं, इनके साथ हमको जाना है। और ये प्रतीक लाल। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बड़ालू और यहाँ पे कुछ लेक है, यहाँ पे आप आराम से बोटिंग भी कर सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गौड़ीहाट और यहाँ से हमको थोड़ा और आगे को जाना है। तो यहाँ पर से हमको यहाँ पे को जाना है, इधर ही कहीं पे जाना है हमको, यहाँ पे मंदिर है। तो ये जो आपको सामने में दिख रहा है नेपाल का बाज, और अभी हमको यहीं पे जाना है। और तो यहाँ पर से बस 7 किलोमीटर और है जूनागढ़ मुंशारी के मुंशारी पे पहुंच चुके हैं हम। आगे कुछ 4 किलोमीटर और है और यहाँ पर से मैं व्यू चेक कराता हूँ। और यहाँ पर से काफी तगड़ा व्यू है और हमको उधर टॉप वॉप पे कहीं पे जाना है, तो यहाँ पर से दिख नहीं रहा है। और ये रोड से होते हुए जाएंगे हम। ये जो यहाँ पे को रोड दिख रही है आपको, इस रोड से हम ऊपर को जाएंगे एकदम। और यहाँ पे को फोटोशूट चल रहा है सभी का। यहाँ पर से यह है कनारी। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और मैं 13 से ब्लॉग कर रहा हूँ, तो क्वालिटी का थोड़ा इशू आएगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं SSB कैंप। यहाँ से नीचे को कनारी के लिए रास्ता है और ये पूरा SSB का कैंप है यहाँ पे। ये हम पहुँच चुके हैं जूनागढ़। और तालेश्वर जाना है अगर आपको, तो वहाँ भी जा सकते हो। और यहाँ से आगे को जा रहे हैं और दो अभी हमारे पीछे ही हैं, एक प्रतीक है यहाँ पे और बाकी के पीछे से आराम से आ रहे हैं। तो अभी हम आगे को जा रहे हैं और यहाँ पर से पूरा दिखाएंगे आपको व्लॉग। तो अभी जा ही रहे हैं, हम रास्ते पे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। एक शख्स और प्रतीक की भैंस चल रही है, ये बलेनो है नहीं है, एक कह रहा है कि है, एक कह रहा है कि नहीं है। तो ये रही यहाँ की नदी, काली नदी। प्रतीक कह रहा है कि मेरे को शॉपिंग करनी है, क्या लेना है भाई? प्रतीक को लेनी है जैकेट। तो चलते हैं आगे को। ये है, अगर किसी को जॉर्डन्स चाहिए तो ये भी मिल जाएंगे, पूरी जॉर्डन्स की दुकान है। तो यहाँ पर से हमको नेपाल, सॉरी, तो यहाँ पर से ही जाएंगे हम। तो चलते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करना बना है तो मैं बंद कर दूँ। वेलकम टू नेपाल आ चुके हैं यहाँ पे और ऊपर को जा रहे हैं अभी हम। तो अभी हम थे नेपाल में और यहाँ पे को मैगी बन रही है हमारी, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर यहाँ से और यहाँ पे को मैगी खा रहे हैं सब। तो कुछ ऐसी है नेपाल की बाज़ार, देख सकते हो। तो नेपाल की बाज़ार ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ऊपर हमको मिलेगी गाड़ी जिसमें हमको जाने हैं। तो फटाफट चलते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी का डिस्कशन चल रहा है, किस में जाएंगे हम, ये भरी है तो इसी में चढ़ लेते हैं। काफ़ी तगड़ा दिख रहा है यहाँ पर से जो है शीशोर, पूरा अल्ट्रावाइट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख सकते हो काफ़ी मज़ा आ रहा है ट्रिप में। तो ये है नेपाल के गांव, हम प्रॉपर नेपाल में पहुँच चुके हैं, अब सब वापस आ रहे हैं यहाँ पर से और हम अभी पहुँच रहे हैं यहाँ। तो भीड़ तो हो ही रही है यहाँ, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मंदिर थोड़ा सा ही है और ये सब लोग थक चुके हैं, प्रतीक भी थक चुके हैं यहाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा भीड़। और देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। प्रतीक कहाँ गया? प्रतीक खो चुका है और प्रतीक खो गया है। अगर उसके पापा आप लोग देख रहे हो तो वो बहुत लापरवाही कर रहा है। तो को देख सकते हो, चौमिन चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ। और इन लोगों को पर्स पसंद आ गए, क्या हुआ पर्स लेने? अच्छा पर्स हमारे पास है, चलो भी चलो। तो अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिपुरा सुंदरी के गेट में और आगे पर गेट है
तो वहीं पे जाना है हमको। और सक्षु लुंगे आ रहे हैं आराम से। हेलो, बिग फैन सर, सर बिग फैन। तो यहाँ पे है मेन गेट त्रिपुरा सुंदरी का, देख सकते हो। अभी हमको जाना है अंदर और जाते हैं अंदर को। है गाइस जिस भैंस को काटा जाएगा। एक ये भी है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये गए मानोगे नहीं, लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं ये, लेकिन वीडियो पे थोड़े छोटे लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ से हमको ऊपर को जाना है। और यहाँ तो देख ही सकते हो कितने ज़्यादा हैं। और मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो सब। अभी हम पहुँच चुके हैं और ये है पीछे मंदिर, देख सकते हो पीछे मंदिर है। और यहाँ से हम नीचे को जा रहे हैं। काफ़ी तगड़ा मंदिर है, यहाँ पे आ सकते हो आराम से, चिल कर सकते हो। तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। और यहाँ पे कुछ प्रतीक है, दिखाता हूँ नीचे इधर हो रहा है जो भी हो रहा है कुछ। तो बैठे हैं, तो ये है मंदिर। और मेरे को अभी तक का ज़्यादातर कोई नहीं मिले हैं जो मेरे को घुमा दे, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर से ये। और हम आगे को जाएंगे अभी, तो देखते हैं कहाँ को जाने हैं। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो। और अभी यहाँ पे को भी चल रहा है, तो अभी मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे जितनी भी थी कम से कम 100-200 थी, और उनको पूरा काट दिया जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं घर को, तो यहाँ पे को आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे, देख सकते हो। अभी हम आ चुके हैं पूरा घूम घाम के, और यहाँ से हम वापस को जा रहे हैं। एग्जिट है इधर से, और ये था मंदिर का गेट। तो देखते हैं कहाँ को जाते हैं। प्रतीक पीछे है, ये रहा प्रतीक आ गया। तो अभी हम जाएंगे धीरे धीरे आगे को। और पूरा मेला दिखा दिया गाइस मैंने आपको, इतना ही मेला होता है। और ये रहे दोनों, और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना गाइस। और ये सामने देख सकते हो, क्या ही तो व्यू आता है यहाँ से, बहुत तगड़ा है यहाँ का व्यू। आ सकते हो घूमने, लेकिन अगर आपको पूजा करनी है तो मैं एक और बार बोलूँगा कि आराम से आना। तो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को पूरा व्यू। तो देखते हैं कोई मिलता है तो अभी, वरना सीधे घर को ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा घूम लिया है यहाँ। तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे दूल्हाघाट, फिर वहाँ दूल्हाघाट में शॉपिंग करेंगे, थोड़ी देर शॉपिंग और खाना वाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे हम वापस। तो व्लॉग जितना भी बनेगा मैं दिखा दूँगा यहाँ का मेला। और अभी हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, तो चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे गाइस तुम लोगों को मैं बता देता हूँ कि नेपाल से भी काठमांडू साइड काफ़ी दूर से लोग आते हैं। और जो जो बंदे चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। और ये यहाँ का आर्मी पुलिस वाले जो भी होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ से एग्जिट है इसका, कहीं से भी जा सकते हो। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को। हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी भी यहाँ। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ लगी है जाने वालों की, तो जाते हैं हम भी। अब क्या करें, यहाँ देख लिया है और अजीब सा हो गया मतलब अंदर से जब कटते हुए देखा। मैंने तो सोचा कि ऐसे नहीं कटेगा कि सब एक साथ एक ही बारी में काटेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। तो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, और घर को भी जाना है हमको अभी, तो जाते हैं। थकाई लग गई क्या भाई? गाइस अब हम पहुँच चुके हैं। अच्छा, तो अभी हम पहुँच चुके हैं गाड़ी मिलने वाली जगह पे, और हमको यहाँ पर से मिलेगी गाड़ी। तो पूरा मंदिर घूम के आ गए हम, दूल्हाघाट पे घूमेंगे फिर सीधे घर को जाएंगे। तो यहाँ पे को गाड़ियाँ लगी है काफ़ी सारी, लेकिन हमको जाना है जिप्सी में, जिसमें हम आए थे उसी में जाना है। तो ढूंढते हैं कहाँ पे को लगी है। और यहाँ पर से ये देखो कटिन, बढ़िया खोलेंगे इनको, पीछे तो भाई बड़ी भर चुकी है गाड़ी। तो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, बाहर जाके दिखा देते हैं, क्योंकि आसानी से मिलती नहीं है ना यहाँ। और लेकिन ये भरे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। पता नहीं, 10 तो ऐसे बैठा दिए इनने गैलरी में, 10-20, और बाकी के जो हैं बैठे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं दूल्हाघाट, मतलब नेपाल पहुंच चुके हैं। दूल्हाघाट ये सामने, जैसे आए हैं हमें को बताए यहाँ तक, सब लोग डर डर के बैठे हैं। और ये थी वो बस, इस पर कभी भी मत बैठना, मैं पहले बता देता हूँ, कभी भी मत बैठना। 50 रुपये टिकट है, और इसमें भले ही बैठ जाना, इसमें बड़े मजे आएंगे, सनरूफ भी है इसमें। यहाँ से नीचे को रास्ता है, और प्रतीक को थोड़ी शॉपिंग करनी है यहाँ से, तो शॉपिंग भी कर लेगा। तो यहाँ पे को रुके हैं हम, ये प्रतीक शॉपिंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या ले रहा है। तो ये है नेपाल की मार्केट, और ये नीचे को, यहाँ पर से नीचे को जाना है।
तो ये है यहाँ की मार्केट, और बैग वगैरह जैकेट वगैरह लेनी तो विजिट कर सकते हो यहाँ पे। हम जा रहे हैं वापस वड्डा को, और ये मानस है, मानस मिल चुका है हमको। नमस्ते भाई। फिर हम पहुँचे थे जुलाघाट, और यहाँ पे शॉपिंग करी, मैगी वैगी खाई, और ये इनके डब्बे ले रखे हैं मैगी के, नेपाली मैगी होती है। नीचे वो लोग बदलाने गए हैं ये डब्बा, यहाँ सस्ता मिल रहा है तो यहाँ से ले रहे हैं। और जितना भी मना मैंने दिखा दिया व्लॉग में, तो अभी घर जाने की तैयारी हो चुकी है, सबने अपने अपने डब्बे पकड़ लिए हैं। तो अभी हमने थोड़ा फ़ोटोशूट कर लिया है यहाँ पे, और काफ़ी मस्त लोकेशन है, यहाँ होगी तो यहाँ पर से काफ़ी तगड़ा व्यू आता है, और फ़ोटोशूट कर लिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से। अभी हम पहुंच चुके हैं वड्डा, और यहाँ पे मैं उतर जाऊँगा सानू का अड्डा, और ये सब लोग चले जाएंगे मार्केट को, और ये भी तैयार हैं। चलो वीर भाई भाई।